हेलो बच्चों, आज आप लोगों को ज्ञानवर्धन एकेडमी सुमित सर में आज 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्योमिति, जो 10th क्लास में 10 मार्क्स का पूछा जाता है और ये 9th क्लास का ही एडवांस वर्जन है। ये आपको SSC रेलवे एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर आप 9th क्लास एंड 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं तो आगे आपको बहुत ही यूजफुल होगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड SSC बोर्ड का भी तैयारी कराया जाता है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में। सो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तैयारी करेंगे, चैप्टर 7 NCERT का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसका निर्देशांक ज्योमिति। ओके बच्चों, तो आज हम लोग निर्देशांक ज्योमिति पढ़ने के लिए इसका दो गो कोऑर्डिनेट हम लोगों को जानना होता है। ये क्या हो गया, वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्व लाइन, एंड ये क्या हो गया भुज, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यह हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या हो गया क्षैतिज रेखा, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा या हॉरिजेंटल लाइन। ओके बच्चों, ये क्या है एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस या हिंदी में बोलते हैं एक्स एक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे एक्स एक्स। ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, सॉरी एक्स डैश एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस हिंदी में हो गया एक्स डैश एक्स, एंड ये हो गया वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ये क्या हो गया वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एंड दैट इज ए ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, ओरिजिन मतलब क्या होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब 0 माइल, जैसे भागलपुर में 0 माइल है ना, कुछ भागलपुर 0 माइल से आप कहीं भी किसी के देश, किसी भी देश के कोना में आप जा सकते हैं, उसी तरह ये मैथ में 0 माइल होता है। इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई भी क्या होता है 0, इसका मतलब एक्स भी 0 और वाई भी क्या होता है 0 के। बच्चों चलिए, ये हम लोग 0 से कितना कदम बढ़ेंगे, एक्स एक्सिस की ओर हम लोगों को कदम बढ़ाना है, यानी ये एक्स कदम यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स प्लस क्या बताता है पॉजिटिव डायरेक्शन यानी प्लस में, धनात्मक संख्या में, एक्स डैश क्या बताता है नेगेटिव, इधर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, एंड ऊपर जो हम लोग जाएंगे ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, एंड नीचे जो आएंगे ये नेगेटिव होगा। ओके बच्चों, तो ये 0 से 1 यानी पॉजिटिव हो गया, एंड 1 के बाद क्या होता है 2, तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, एंड ये क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 4, ये सब सारा पॉजिटिव डिस्टेंस जाएगा मतलब प्लस धनात्मक में जाएगा, एंड ऊपर में क्या होगा ये सेम डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा ये वाला होगा 1, फिर उसके बाद क्या होगा डिस्टेंस 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद क्या हो गया 5, ये प्लस था इसलिए, अब प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, यानी हम लोग अगर नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा निगेटिव, मतलब इसको बोलेंगे -1, इसको क्या बोलेंगे -1, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3, एंड ये क्या हो जाएगा -4, उसके बाद देखिए दोस्तों बच्चों ये क्या हो गया, अगर हम लोग एक्स डैश एक्सिस बोला इसका मतलब क्या हो गया नेगेटिव। ओके ये -1 हो गया, ये क्या हो गया -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, इधर माइनस क्यों लिखे, आप बोलेगा सर इधर माइनस लिखे इधर प्लस लिखे ऐसा क्यों, तो हम कारण बता रहे हैं एक्स डैश का मतलब होता है नेगेटिव, इसका मतलब हम लोग अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे और ओरिजिन के अगर दाएं साइड जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव संख्या लिखेंगे, अगर ओरिजिन के ऊपर लिखेंगे तो वो पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या, एंड ओरिजिन के नीचे लिखेंगे तो वह नेगेटिव संख्या होगा, और इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेन, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में क्या बोलते हैं पहला पाद, पहला पाद हिंदी में पहला पाद है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट इसको क्या बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड हिंदी में बोलेंगे सेकेंड पाद, ये क्या हो गया दूसरा पाद, हिंदी में दूसरा पाद, ये थर्ड क्वाड्रेंट, QUADRANT, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, हिंदी में इसको बोलेंगे तीसरा पाद, ये कितना हो गया तीसरा पाद। ओके ये तीसरा पाद हो गया, एंड ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके दोस्तों, एंड यानी फोर्थ पाद, ये क्या हो गया फोर्थ पाद। अब हम लोग चलेंगे बच्चों ये एक्स, इसको क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, आप लोग 10th क्लास में से ही ध्यान दीजिएगा तो कम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत मजा आएगा। तो ये क्या हो गया एक्स वाई प्लेन, मतलब प्लेन मतलब क्या होता है तल, प्लेन मतलब क्या होता है ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इस घर को क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, इस घर का क्या नाम बोलेंगे बच्चों
तो देखिए बहुत ही आसान है, क्या है, बहुत ही आसान है। यानी पहले एक्स आता है लेटर में और उसके बाद क्या आता है, वाई आता है। तो इसको बोलेंगे एक्स डैश वाई प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश वाई प्लेन, हिंदी में एक्स डैश वाई तल। इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश वाई डैश प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश वाई डैश प्लेन। एंड आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक्स ये दोनों नेगेटिव हो गया, एक्स डैश वाई डैश प्लेन, यानी ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। एंड आफ्टर दैट एक्स एक्स प्लेन, एक्स एंड वाई डैश प्लेन, ये क्या हो गया, एक्स डैश सॉरी एक्स वाई डैश प्लेन। ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, जो 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कम से कम 2 मार्क्स तो कन्फर्म ही है अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो। ओके दोस्त बच्चों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एक्स ये क्या पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन क्या पॉजिटिव, ये भी डायरेक्शन क्या पॉजिटिव। आपको बताए थे एक्स लिखा हुआ और ये वाई लिखा, मतलब एक्स और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको बोलेंगे प्लस प्लस, दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। इसमें देखिए एक्स ये क्या, एक्स डैश है, एक्स डैश मतलब क्या हो गया, माइनस। एक्स डैश का मतलब क्या होता है, माइनस। ये वाई क्या, प्लस में, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक माइनस होगा एक क्या होगा, प्लस होगा। एंड बच्चों देखिए, ये देखिए एक्स डैश एंड वाई डैश, बहुत ही मजा आएगा आपको, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक के साथ बताएंगे। क्योंकि एक्स डैश मतलब लड़की, ये वाई डैश मतलब लड़की, दोनों लड़की है तो मतलब दोनों नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, दोनों नेगेटिव, यानी माइनस माइनस, ये क्या हो गया, माइनस माइनस। एंड एक्स डैश एक्स एक्स मतलब ये प्लस में है, ये एक्स क्या है, प्लस में। अब वाई डैश मतलब क्या हो गया, ये माइनस में, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस और माइनस। थोड़ा ध्यान से आप बच्चों, आप लोगों को देखना है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, आपको बताना कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ओके तो बच्चों, तो देखिए आपको बताना है 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में है, 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है, किस पाद मतलब क्वाड्रेंट में है, QAD N लिख देते क्वाड्रेंट, आप समझना आपको क्वाड्रेंट इंग्लिश में। तो देखिए 2 और 3 आपको डिनोट भी करना है, ये 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास का बेसिक है, इसके बिना आप 10th क्लास के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये SSC रेलवे में इसे कम से कम 3 मार्क्स पूछा जाता है, इसलिए बच्चों कम से कम आप 10th और 9th क्लास को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको आगे क्लास में दिक्कत ना हो। तो क्या बोला गया है, 2 और 3, तो बच्चों टुबुक टुबुक करना, क्या करना, टुबुक टुबुक, यानी 2 और 3 है तो 0 माइल पे पहुंच गए, भागलपुर के 0 माइल पे। ये कोचिंग जो है ज्ञानवर्धन एकेडमी सुमित सर के द्वारा चलाया जाता है और ये भागलपुर से वेस्ट साइड पश्चिम में है। तो चलिए हम लोग 0 माइल पहुंच गए, 0 माइल से 2 किलोमीटर टुबुक टुबुक करना है, तो टुबुक टुबुक यानी 2 पे पहुंच गए। उसके बाद कहाँ जाना बच्चों, 3। ये एक्स क्या बताया जा रहा है, ये 2 बताया जा रहा है एक्स पे चलना है, वाई क्या बताया जा रहा है 3 पे, यानी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टुबुक टुबुक 3 पे चलेंगे, टुबुक 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 यानी 3 पे आ गए। आप क्या करना है बच्चों, तो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना 3 कदम और इसको ऊपर की ओर 2 कदम बढ़ा देना, इसको ऊपर की ओर 2 कदम बढ़ा देना। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 और 3, और 2 और 3 हम तो बता दिए कहाँ पे लाइज करेगा ये पॉइंट और ये कौन से पाद में है। तो आप बोलिएगा सर ये तो फर्स्ट पाद में है। ओके बच्चों, अब आप लोग को रिप्लाई करना है, बताना है कि 2 और 4 किस पाद में होगा, बताइए 2 और 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट पाद में। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जवाब अच्छा दिया। यहाँ पे लाइव ऑनलाइन और प्लस ऑफलाइन बैच भी पढ़ाया जाता है। सेकंड बच्चों ने शानदार जवाब दिया, क्या बोला, 2 और 4 ये फर्स्ट पाद में ही होगा क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट लेके पढ़ते हैं, बनाते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा -2 और मान लेते हैं आपको बोल दिया गया -3 ले लेते हैं, इसको -2 लेते हैं। अच्छा चलिए बच्चों बताइए -3 और -2 देखिए किस पाद में है, यानी बोलेंगे सर दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों लड़की हो गया, लड़की 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 कहाँ पे आएगा, थर्ड, यानी एक्स डैश वाई डैश, यानी दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ये थर्ड पाद में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा, इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंट मतलब थर्ड पाद, ये थर्ड पाद में आएगा, तीसरा पाद में आएगा, बहुत ही 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन फिक्स, आपका 5 मार्क्स तो आज के ही क्लास से फिक्स हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बोला जाएगा आपको -2 और 1 किस क्वाड्रेंट में है, बच्चों जवाब देना आप लोगों को, -2 और 1 किस क्वाड्रेंट में है, -2 और किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड पाद में, कितने पाद में है,
इंग्लिश वाला ध्यान देना, क्वाड्रेंट मतलब सेकंड पार्ट। वेरी गुड, वेरी वेल, नाइस आंसर रिप्लाई बाय स्टूडेंट ऑफ ज्ञानवर्धन एकेडमी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस एंड क्वेश्चन ले लेते हैं रेड पॉइंट से, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो समझने में। माइनस फोर और माइनस टू ले लेते हैं इस बार। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया? बच्चों ने फिर शानदार जवाब दिया आदम, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बच्चों ने टेंथ क्लास में अच्छे मार्क्स लाएंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। फोर और माइनस टू, तो फोर और माइनस टू मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया बच्चों? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। शानदार जवाब, लाजवाब जवाब बच्चों ने जवाब दिया है। चलिए बच्चों अब हम लोग डिनोट करते हैं ये सारे पॉइंट जो डिनोट किए हैं। जैसे क्या बोला कि फोर और माइनस टू, तो बच्चों पहले टुबुक टुबुक करना जीरो माइल पे पहुंच गए। बोला कि एक्स की ओर कितना कदम बढ़ाना है, फोर। वाई की ओर यानी निगेटिव में वाई माइनस टू, तो चलिए एक्स की ओर फोर कदम यानी टुबुक 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 यानी एक्स पे आ गए फोर कदम, और वाई की ओर निगेटिव नीचे, वाई की ओर मतलब निगेटिव, टुबुक टुबुक यानी माइनस टू। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आएगा बच्चों? तो ये पॉइंट आ गया आपका फोर कोमा माइनस टू, फोर कोमा माइनस टू। ओके बच्चों, तो ये फोर माइनस टू हो गया। एंड आपको बताना बच्चों माइनस टू और वन किस क्वाड्रेंट पे आएगा, ये वाला क्वेश्चन माइनस टू कोमा वन। तो बच्चों देखिए माइनस टू किधर है, पहले जीरो माइल पे पहुंच गए, जीरो माइल से माइनस यानी एक्स बोला जा रहा है माइनस टू होगा, वाई बोला जा रहा है वन होगा। एक्स की ओर माइनस टू कदम, एक कदम दो कदम यानी माइनस टू पे पहुंच गए। उसके बाद वाई की ओर वन कदम यानी वाई की ओर सीधा ऊपर चले जाना, ऊपर ये वन कदम हो गया, ये क्या हो गया ऊपर वन कदम यानी माइनस टू कोमा वन हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट पे आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट का मान लेते डिनोट करने के लिए, ग्राफ बोला जाएगा माइनस थ्री कोमा माइनस टू। तो क्या करेंगे माइनस थ्री कोमा माइनस टू के लिए, पहले एक्स की ओर जीरो माइल पे पहुंच जाना, जीरो वाले जीरो माइल पहुंचेंगे। उसके बाद बोला जा रहा आपको यानी दोनों निगेटिव मतलब एक्स की ओर माइनस तीन, तो टुबुक 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 यानी माइनस थ्री पे पहुंच गए। उसके बाद बोला जा रहा नीचे, नीचे मतलब माइनस वाई, इसका मतलब क्या हो गया एक दो नीचे की ओर दो कदम बढ़ गए। तो ये क्या हो गया टुबुक 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 करते करते यहाँ पे आ गए, इसका मतलब क्या हो गया माइनस थ्री कोमा माइनस टू। ओके दोस्तों, ओके बच्चों, बहुत ही शानदार जवाब दिया, और हम आप लोगों को नाइन्थ क्लास का सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि आप बाद में भी रिवीजन कर सकें। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का। ओके बच्चों, तो आपका थ्योरी क्लास सारा हो गया। अब हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं। थ्योरी क्लास में दो चीज़ हम लोगों को और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या होता है? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र पढ़ेंगे हम लोग अब, डिस्टेंस फार्मूला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसी को हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए मान लेते हैं ये एक ज्ञानवर्धन एकेडमी, ये क्या है? ज्ञानवर्धन एकेडमी। ये आपका घर है, ये क्या है? घर। ये मान लेते हैं होम है, इसको बोलते हैं होम। ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये क्या मान लिए? ए और बी, ठीक है, ए एंड बी है। ये आपका घर हो गया, ये ज्ञानवर्धन एकेडमी जहाँ आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं ऑफलाइन अभी। और ये क्या है? बी मतलब माना कि आपका बी घर है, क्योंकि मैथ में पढ़ते हैं माना कि हम लड़कियों को मान लेते हैं, ये माना मेरा एक्स गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। तो ओके बच्चों, मस्ती से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कोमा वाई। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ए कोमा बी, सॉरी एक्स कोमा वाई। इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वन कोमा वाई वन माने। इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स टू कोमा वाई टू। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स टू कोमा वाई टू। अब हम लोग क्या निकालेंगे? रूट अंडर। क्या निकालते हैं? रूट अंडर। तो रूट अंडर निकालेंगे इसका, तो रूट अंडर लिख देना, रूट अंडर। दूरी सूत्र निकालने के लिए रूट अंडर, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, इसको प्रूफ करके भी बता दिया गया है। एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बच्चों आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि सर एक्स वन माइनस एक्स टू कर सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बोथ आर सेम फार्मूला। ओके दोस्तों, तो हम लोग अब एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं a और b एक डिस्टेंस है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं टू और थ्री दिया है। अगर इसका कोऑर्डिनेट b है, इसका मान लेते हैं सिक्स और फाइव दिया है। इसका हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यानी डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों? फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए x2 कौन सा है? x2 मतलब ये वाला टर्म है। x2 के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 6। x2 के स्थान पे 6, तो 6 माइनस x1 के मान क्या है? देखिए इसको हम लोग ब्लू पेन से लिख देते हैं, थ्योरी वाला पार्ट जो हम लोग बच्चे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। x1 y1 है, ये क्या है? x2 y2 है, तो x2 का मान कितना हो गया? 6। अब x1 का मान कितना हो गया? 2। तो x2 माइनस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर y2 का मान कितना हो गया? y2 का मान 5 है और y1 का मान कितना है? 3। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस इसको क्या करना बच्चों? सोल्व कर देना है। 6 माइनस 2 कितना हो गया? 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 3 गया 2, 2 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, ये रूट अंडर 13 ये नल परफेक्ट, सॉरी 2 का स्क्वायर है ना, 5 में 3 गया 2 4, सॉरी हाँ सॉरी गलती हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसके लिए सॉरी। 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया, 16 4 20। अब 20 का हम लोग अगर रूट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 चौके 20। अब 4 का क्या हो जाएगा? 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर मतलब 2 बाहर हो जाएगा रूट अंडर 5, ये यूनिट हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा यूनिट। क्या कि आपको बोला जाएगा आपके पास कितना रुपया, तो खाली बोलेगा 5, ऐसे नहीं, यानी 5 रुपया बोलना पड़ता है, यानी यूनिट लगाना पड़ता है। यूनिट नहीं लगाइए तो आपका 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, यानी हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको इकाई लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, खड़े मतलब बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ेंगे? सॉरी डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ ही लिए, आप थ्योरी में जो नेक्स्ट, हाँ ये डिस्टेंस फार्मूला, अब आपको बोला जाएगा ओरिजिन से क्या फार्मूला होगा। अब आपको हेलीकॉप्टर एक ऐसा आ गया है तो मान लेते 0 माइल से उड़ता है डायरेक्ट आपका दिल्ली, न्यू दिल्ली में पहुंचता, न्यू दिल्ली में, ये 0 माइल है भागलपुर का, 0 माइल। तो भागलपुर का 0 माइल, 0 माइल का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। ये कोऑर्डिनेट हो गया x, y, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु से दूरी, और इंग्लिश में बोलेंगे ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा ओरिजिन का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। या SSC बोर्ड में भी है, 8th क्लास में से स्टार्ट हो जाता है, 9th और 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC बोर्ड में 8 से ही स्टार्ट हो जाता है, 0, 0। एंड ये क्या हो गया? x1, y1 यानी अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना, OD मान लेते, इसको कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? OD, डिस्टेंस बिटवीन OD यानी दूरी सूत्र लगाना, क्या लगाना है? दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। ये जो हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, तो इसका फार्मूला लगा देना। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस, चलिए फार्मूला हम लोग रेड पेन से लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत याद करना भी बिल्कुल आसान है, यानी x लिख देना 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2, y लिख देना 1 या 2 या 2 माइनस 1 लिख देना, बस स्क्वायर करके रूट अंडर डाल देना, बस बहुत निकल जाएगा। x2 का मान क्या है? x, फिर x1 का मान कितना? ये x2 है, ये क्या है? y2 है, और ये क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, ये x1 y1 है, तो x2 का मान कितना हो गया? 6, सॉरी x, x1 का मान कितना है? 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है? y, और y1 का मान कितना है? 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर है। ओके देखिए x माइनस 0 तो x का स्क्वायर हो गया, और y माइनस y का स्क्वायर, ये रूट अंडर, ये डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी मूल बिंदु से दूरी बोलेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10th क्लास में आता है, हिट कर देना डायरेक्ट आपका 1 नंबर पॉकेट में। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 जो SSC CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं। ओके अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, आपको 10th क्लास का और कौन सा वीडियो चाहिए वो कमेंट करिएगा, ताकि बिहार बोर्ड 2023 एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और CBSE बोर्ड भी फरवरी में होगा, इसलिए 2024 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो